हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस यूट्यूब चैनल रेल नॉलेज पे। दोस्तों, आज की जो हमारी ट्रेन की जानकारी रहेगी वो है 14823 जोधपुर रेवाड़ी एक्सप्रेस ट्रेन की। दोस्तों, यह रोजाना चलने वाली मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है और दोस्तों इस ट्रेन का संचालन उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन करता है। दोस्तों, यह ट्रेन रोजाना जोधपुर जंक्शन से चलकर मेड़ता रोड, डेगाना, रतनगढ़, चूरू, सादुलपुर, लोहारू के रास्ते रेवाड़ी पहुंचती है। दोस्तों, यह ट्रेन जोधपुर जंक्शन से रेवाड़ी जंक्शन की कुल दूरी 542 किलोमीटर को 41 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत स्पीड से 13 घंटे और 10 मिनट में तय करती है। और दोस्तों, यह ट्रेन जोधपुर जंक्शन से रेवाड़ी जंक्शन के बीच 58 स्टेशनों पर ठहराव लेती है। दोस्तों, अगर बात की जाए इस ट्रेन को लेकर जाने वाले लोकोमोटिव की, तो इस ट्रेन को जोधपुर जंक्शन से रेवाड़ी जंक्शन तक डीजल लोकोमोटिव लेकर जाता है। वहीं दोस्तों, अगर बात की जाए इस ट्रेन में लगने वाले कोचेज की, तो इस ट्रेन में ICF रेक श्रेणी के कोच रहते हैं, जिनमें स्लीपर क्लास, जनरल क्लास एवं SLR श्रेणी के कोच रहते हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए इस ट्रेन के किराए की, तो इस ट्रेन का जोधपुर जंक्शन से रेवाड़ी जंक्शन तक स्लीपर क्लास का किराया ₹325 और जनरल क्लास का किराया ₹165 रहता है। दोस्तों, यह किराया अपडेटेड किराया नहीं है, इसलिए अपडेटेड किराए की ज़्यादा जानकारी के लिए आप रेलवे टिकट काउंटर या रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं इस ट्रेन का किन किन स्टेशनों पर ठहराव रहेगा और उन स्टेशनों पर इस ट्रेन का टाइम टेबल क्या रहेगा। दोस्तों, ट्रेन नंबर 14823 जोधपुर रेवाड़ी एक्सप्रेस ट्रेन रोजाना जोधपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से रात में 1:35 पे रवाना होती है। दोस्तों, यहां से रवाना होकर यह ट्रेन पहुंचती है रायकाबाग पैलेस जंक्शन रात में 1:41 पे, और 2 मिनट ठहराव लेने के बाद 1:43 पे यहां से रवाना हो जाती है। दोस्तों, रायकाबाग पैलेस जंक्शन से चलकर यह ट्रेन बनाड़, जाजीवाल, असरनाड़ा, खेड़ी सालवा, पिपाड़ रोड जंक्शन, साथिन रोड, उम्मेद, खारिया खंगार, गोटन, जोगी मागरा होते हुए मेड़ता रोड जंक्शन रात में 3:50 पे पहुंचती है, और दोस्तों 5 मिनट ठहराव लेने के बाद 3:55 पे यहां से रवाना हो जाती है। दोस्तों, मेड़ता रोड जंक्शन से चलकर यह ट्रेन खेड़ूली, रेण, जालसू नानक होते हुए डेगाना जंक्शन सुबह में 4:55 पे पहुंचती है, और दोस्तों 5 मिनट ठहराव लेने के बाद डेगाना जंक्शन से 5 बजे चलकर किरोड़ा, खाटू, छोटी खाटू, पीरवा, खुनखुना, मारवाड़, बलिया होते हुए डीडवाना सुबह में 6:42 पे पहुँचती है, और दोस्तों 5 मिनट ठहराव लेने के बाद 6:47 पे डीडवाना से चलकर सांवराद, बालसमंद, लाड़नू होते हुए सुजानगढ़ सुबह में 7:33 पे पहुंचती है। दोस्तों, यहां पर भी यह ट्रेन 5 मिनट ठहराव लेने के बाद सुजानगढ़ से चलकर तालछापर, पड़ियारा, लोहा होते हुए रतनगढ़ जंक्शन सुबह में 8:40 पे पहुंचती है। दोस्तों, रतनगढ़ जंक्शन पे इस ट्रेन का 5 मिनट ठहराव रहता है, और 5 मिनट ठहराव लेने के बाद यह ट्रेन 8:45 पे रतनगढ़ जंक्शन से चलकर मोलीसर, जुहारपुरा, देपलसर होते हुए चूरू जंक्शन सुबह में 9:40 पे पहुंचती है, और दोस्तों 10 मिनट ठहराव लेने के बाद 9:50 पे चूरू जंक्शन से चलकर आसलू, दूधवा खारा, हड़ियाल, डोकवा होते हुए सादुलपुर जंक्शन सुबह में 11 बजे पहुंचती है, और दोस्तों सादुलपुर जंक्शन पर 5 मिनट ठहराव लेने के बाद 11:05 पे सादुलपुर जंक्शन से चलकर हरपालू, बेवार भोजान, रामपुरा बेरी, परवेजपुर, कुशलपुरा होते हुए लोहारू जंक्शन दोपहर में 12:15 पे पहुंचती है, और दोस्तों 5 मिनट ठहराव लेने के बाद लोहारू जंक्शन से दोपहर में 12:20 पे चलकर सोहासरा, सतनाली, नानवा, नांगल देगरोटा, जेरपुर पाली, महेंद्रगढ़, बोजावास, गुड़ा केमला, कनीना खास, डहिना जैनाबाद, नांगल मूदी होते हुए अपने लास्ट स्टॉपेज रेवाड़ी जंक्शन दोपहर में 2:45 पे पहुंचती है, और दोस्तों रेवाड़ी जंक्शन तक यह ट्रेन 500
41 किलोमीटर की यात्रा तय कर लेती है। तो दोस्तों यह थी 14823 जोधपुर रेवाड़ी एक्सप्रेस ट्रेन की जानकारी। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।